बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा कर झारखंड के सभी क्षेत्रों में जामो की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र से अमित शाह की ओर से शुरुआत कर संथाल में ही जामो को घेरने का प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में सफल रही थी। इसी तर्ज पर झारखंड में सत्ताधारी दलों की वादा खिलाफी और आदिवासी आबादी के घटने और बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे उठाकर भाजपा परिवर्तन यात्रा का आगाज कर चुकी है। इस यात्रा के जरिए 10 दिनों में भाजपा ने 1 करोड़ की आबादी से जनसंपर्क करने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के सांगठनिक प्रमंडलों में 6 रथ यात्राओं के जरिए निकलने वाली परिवर्तन यात्रा सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के 269 प्रखंडों में जाएगी। परिवर्तन यात्रा के जरिए लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा राज्य भर में होगी, जिसका आगाज बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज और गिरिडीह से कर दिया है। 10 दिनों में 65 सार्वजनिक रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जबकि 50 से अधिक सामुदायिक बैठकें भी आयोजित होंगी। यात्रा का स्वागत 80 से अधिक चिन्हित स्थानों पर होगा, वहीं 40 धर्म स्थलों तक भी यात्रा की जाएगी। परिवर्तन यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। झारखंड भाजपा ने परिवर्तन यात्रा में समापन की उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आने पर प्रस्ताव भी भेजा है। प्रस्ताव पर सहमति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में एक बड़ी रैली कर सकते हैं। वहीं अब जिस तरह का माहौल बीजेपी के अंदर बन रहा है, बीजेपी के नेता यह कहते नहीं थक रहे हैं कि राज्य सरकार ने राज्य की जनता से किया गया वादा नहीं निभाया है और वादे पे लगातार उन्होंने वादा खिलाफी की है। कि एक शासक राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है और शासक दल होने के नाते ये सारी व्यवस्थाएं खड़ा करने का काम, उनके सुरक्षा का काम ये राज्य सरकार का होता है और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन झारखंड में है। तो नेशनल हाईवे कैद में था, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक जिम्मेवार शासक राजनीतिक दल के प्रवक्ता को नहीं करना चाहिए। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की रांची से 123 किलोमीटर दूर जाके कार्यकर्ताओं से संवाद करने का विषय है, तो ये फीलिंग, ये भाव, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कभी नहीं समझ सकते। भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवार में पैदा हुआ सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति शासन में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता सत्ता के शीर्ष तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी उन्हीं में से हैं। एक बहुत आम कार्यकर्ता से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद तक का सफर तय किया है। ऐसी कितनी सभाएं होंगी जिसमें कार्यकर्ता के नाते स्वयं आज के प्रधानमंत्री जी संख्या जुटाने से लेकर के खुद श्रोता बनकर के गए होंगे। बीजेपी के आरोपों को लेकर जिस तरह से अब कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है, कांग्रेस की ओर से ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस यात्रा को सफलता के बजाय असफलता करार दिया जाए और ऐसी स्थिति में इस यात्रा को कांग्रेस के नेता इसे खुद बीजेपी के अंदर परिवर्तन की बातें करते नहीं थक रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी पर लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बयानों के जरिए आक्रमण कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रही स्वयं परिवर्तन करने की दिशा में काम कर रही है। यह परिवर्तन रैली सरकार बदलने को नहीं है, यह परिवर्तन रैली बाबूलाल मरांडी जी को परिवर्तन करने के लिए है। क्योंकि जिस प्रकार लगातार यह देखा जा रहा है कि बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत बिश्व शर्मा के आगे पौने दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि यह परिवर्तन रैली बाबूलाल जी को परिवर्तित करने के लिए है।
इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद रैली इस राज्य में निकाली थी, उसका फलाफल क्या मिला? जनता का आशीर्वाद महागठबंधन के पक्ष में आया, और स्वाभाविक तौर पे जब जनता का आशीर्वाद महागठबंधन के पक्ष में आया तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई। अब ये लाख परिवर्तन रैली निकाल लें, लेकिन जनता ने इनका आभास लोकसभा के चुनावों में ही कर दिया। 400 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पे सिमटा दिया। बैसाखी के सारे केंद्र में इनकी सरकार चल रही है, तो इस राज्य में भी परिवर्तन रैली से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो सीटें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है वो परिवर्तन रैली के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो सीटें भी आधी हो जाएगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा झारखंड में क्या कुछ गुल खिलाएगी ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चुनावी माहौल किस तरह से परिणत होता है इस तमाम संभावनाओं में परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी अपना सपना बुन रही है, और झारखंड में बीजेपी परिवर्तन यात्रा की सफलता की कामना करके नए सत्ता प्राप्ति की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी ने हाल के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कई नेताओं को अपने दल में शामिल कराकर यह एहसास दिला दिया है कि हवा का रुख उनकी तरफ है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में जनता क्या जनादेश देगी ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी झारखंड में अपना परिवर्तन माहौल बना रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।